हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और नर्सरी जा रहे हैं शाम के टाइम में। तो ये मेरी बड़ी बहन आई है आज मेरे साथ घूमने के लिए, और ये है मेरी न्यू फ्रेंड, मतलब पुरानी फ्रेंड है, बहुत दिन के बाद मिली है इसीलिए न्यू। हाँ, इसीलिए न्यू, बहुत दिन के बाद यार, कि 6-7 महीना के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे, और मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह पे ले दिखाने वाली हूँ, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो हम लोग अभी पूर्णिया के चुनापुर रोड में जा रहे हैं, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं पास में ही है, आ गया है, तो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। दो दर्शा दीजिए। और इसको इसको आप लोग पहचानते हैं कि क्या है? अगर पहचानते हैं तो कमेंट भी करिएगा कि क्या था। हमको तो नहीं लगता है आप लोग जानते होंगे। और देखिए, इसको हम लोग भैंसिया बोलते हैं, भैंस। वाह, कितनी क्यूट बफेलो है, थार। थार का न्यू वर्जन। थोड़ी सी गंदी हो गई थी। उसका मालिक जाके उसको साफ करेगा, फिर से चमक जाएगी। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, भिजवा देंगे। आजकल के समय में ये देखने के लिए आप लोग को नहीं मिलेगा इस टाइप से, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है कि बैठ के एक जगह बात करेगा। और तो हम लोग आ गए हैं यहाँ कोसी नर्सरी घूमने के लिए। अंदर जाने के बाद आप लोग को अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। पलट पलट, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है मैडम, पलट। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं कोसी नर्सरी में घूमने के लिए। अपना फीलिंग शेयर कर सकती हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि ऊपर से अपने कोसी नर्सरी को एंजॉय करने आए हैं। वेलकम वेलकम। हाय हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। मेहंदी पहचानते हैं ना? नहीं पहचानते। तो यहाँ हम लोग देखने के लिए मेहंदी का पेड़, बाल बहुत झड़ रहा है, तो कोई बोला कि पत्ता वाला मेहंदी लगवाई लगाइए तो बाल ठीक हो जाएगा। हाय, आइए आप लोगों को दिखाते हैं मेहंदी का, यहाँ के बगीचे का पूरा व्यू। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी का मौसम है, एकदम ठंडा ठंडा नज़ारा क्या। और ये देखिए, ये पथलचूर है, हम लोग इसको पथलचूर बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। आप इसको क्या बोलते हैं, इस पेड़ को जानते हैं? जमीन का पेड़। नहीं जमीन नहीं है, ये वही पथलचूर है। पथलचूर अगर मस्त भी इसको बोला जाता है। देखिए ये क्या है, जानते हैं आप लोग ये कौन चीज का पेड़ है? ये क्या है भाई? मेहंदी वही ना है? अगर गर्मी में आप लोग परेशान हो गए, घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं ये अमेज़न के जंगल में, कुछ उसी तरीके का फील होगा यहाँ आने के बाद।
यहाँ आने के बाद कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। जो चीज का पेड़ खोजना चाहते हैं, आम, कटहल, बेल, बबूल, सब कुछ मिल जाएगा। क्या हुआ? हाँ, खाली हम लोग जिसको ढूंढने के लिए आए थे वो नहीं मिला है। और वो क्या था कि हम लोग मेहंदी का पेड़ खोज रहे हैं तो मेहंदी अभी तक नहीं मिला है। लगातार 10 मिनट से घूम रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो जरूर दिखाएंगे। ये क्या है वो भी पूछ लो। गवार, गवार, दिस इज गवार। और ये है स्वीट सुपारी, जिसको बंद सुपारी भी कहा जाता है। इसको इसको अगर आप खाए होंगे तो बताइएगा जरूर, खाओ, चख के बताओ कैसा लगता है। आज नहीं खाएंगे। बचपन में खाती थी ना स्कूल जाने के टाइम में, नाव पर खाते थे, नाव पर खाती थी। नर्सरी तो आ गए हैं, यहाँ पेड़ पौधा ही खाली नजर आ रहा है, आदमी को कहीं नहीं देख रहे हैं। हाँ हाँ, बेली का फूल है वो। कहाँ कहाँ वो बेलपत्र, बेलपत्र इसमें क्या मैडम? पपी दिखाइए तो। तो गाइस आप लोग को हम पपी से मिलवाने वाले हैं। तो पपी का ये है प्यारा प्यारा रैबिट। हेलो हेलो। तो देखते हैं पपी सब एक को नहीं है, पपी मैडम के कुत्ता का नाम है। तो पाल बहुत मजा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा सा पौधा है। आप लोग जरूर आए यहाँ घूमने के लिए, और यहाँ से पेड़ पौधा ले जा सकते हैं। और ये देखिए हम लोग जो बता रहे थे पथलचूर, यही है पथलचूर का पेड़। क्या देखिए आजकल इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोग झुलस रहा है, और यहाँ पेड़ पौधा को भी धूप लगता है, जिसके लिए ये लगा दिया गया है। तुमने झुलसी है? नहीं, अभी बारिश हुआ है ना। ग्लो कहाँ दिख रहा है? एलोवेरा। ये देखिए ये पेड़ भी कुछ हम लोग के जैसा ही है। बता सकता है कि इतनी बड़ी मतलब औरत का इतना बड़ा बच्चा हो गया। कहाँ? हाँ वो आम था, सिंदूरिया आम। बांस जिसको घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, तो यहाँ से आप आके आप ले सकते हैं। और ये क्या है आसुरे? क्या हो? क्या हो? बउआ अब बउआ देख लीजिए, घर से हम लोग का पिक्चर ले रहा है। पिक्चर लेने के लिए इतना दूर चला गया है। हाँ। रात तो हो चुका है, अब पहले कर लीजिए। हे आइए ना, आइए। क्या कर रहा है? अच्छा ले आया। अच्छा बढ़िया खींचो। यहाँ इतना पेड़ है फूल का कि हम तो नहीं जानते हैं सभी का नाम, तो आप लोग बता सकते हैं। ये करोटन का पेड़ है। ना ना मेहंदी ना।
चुका है, साड़ी पहने आपका साड़ी पल्लू जब तक नीचे में ना जाए तब तक आपका साड़ी पहनने का जो मकसद है वो पूरा नहीं होने वाला है। मैडम का कहना है कि अच्छे फैशन के साथ साथ रोड भी जब तक ना साफ हो जाए तो ऐसा कपड़ा पहनना क्या पहनना है। बिल्कुल। तो शाम ज्यादा हो चुकी है और हम लोग अब घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, घर की ओर हाँ प्रस्थान कर रहे हैं, घर की ओर जाने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये मेरा मिनी ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।